आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। नमस्कार, आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। आज की प्राइम की प्रमुख खबर कुछ इस प्रकार है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में फल फूल रहा है अफीम का कारोबार। दूसरी खबर, लालू से मिलने पहुंची 12 चट्टी विधायक को प्रशासन ने किया क्वारंटाइन। तीसरी खबर, 5 सितंबर से नहीं लगनी होगी लाइन, ऑनलाइन मिलेंगे स्टैंप पेपर। चौथी खबर, 3 दिन से लापता 5 साल की बच्ची का मिला निर्वस्त्र शव, एक हाथ भी गायब, लोगों ने जमकर किया हंगामा। पांचवी खबर, पत्थरगामा में कुएं में गिरे भाई बहन, एक की मौत, परिजनों ने इलाज में लापरवाही का लगाया आरोप। छठी खबर, विधायक ढुल्लो महतो की सभा में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। आइए अब सुनते हैं खबर विस्तार से। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के उप निदेशक अभियान KPS मल्होत्रा के अनुसार झारखंड के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अफीम की खेती एवं इसका कारोबार फल फूल रहा है। घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र जहां पुलिस प्रशासन की पहुंच नहीं है, वहां अफीम की खेती हो रही है और वहां से तस्करों के माध्यम से अफीम पंजाब हरियाणा जैसे राज्यों तक पहुँच रहा है। चतरा एवं खूंटी के जंगलों में अफीम की खेती हुई है, फसल अब तैयार हो चुका है। तैयार अफीम अब तस्करी के जरिए राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में पहुंचाने की तैयारी है। यूपी और बिहार के रास्ते यह तस्करी होती है। यही कारण है कि पिछले एक महीने से आए दिन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो गुप्त सूचना पर छापेमारी कर डोडा और अफीम की जब्ती कर रही है। लगातार नशे के कारोबारी दबोचे जा रहे हैं। अब नजर डालते हैं आज की दूसरी प्रमुख खबर पर। बिहार की सियासत इन दिनों रिम्स से शिफ्ट हो गई है। रिम्स में भर्ती सजायफ्ता लालू प्रसाद से मिलने हर दिन बड़ी संख्या में नेता रिम्स पहुंच रहे हैं। कई टिकट की आस में तो कई अपने कारोबारियों को टिकट दिलाने की फरियाद लेकर लालू दरबार में पहुंच रहे हैं। इसी क्रम में बुधवार को 12 चट्टी विधायक समता देवी अपने सहयोगियों के साथ लालू से मिलने रांची पहुंची। रांची जिला प्रशासन ने विधायक और उनके सहयोगियों को 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन कर दिया है। हटिया गेस्ट हाउस में विधायक और उनके साथ आए लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। विधायक के साथ 2 बॉडीगार्ड और 1 सहायिका को भी जिला प्रशासन ने क्वारंटाइन किया है। ADM लॉ एंड ऑर्डर अखिलेश कुमार सिन्हा ने उक्त कार्रवाई की है। अब नजर डालते हैं आज की तीसरी प्रमुख खबर पर। जमीन और फ्लैट की रजिस्ट्री सहित नकल निकालने में लगने वाले स्टैंप पेपर अब पूरी तरह ऑनलाइन हो गए हैं। ऑनलाइन स्टैंप पेपर बेचने का ट्रायल भी भू राजस्व एवं निबंधन विभाग द्वारा पूरा कर लिया गया है। 5 सितंबर से रांची सहित राज्य भर में ई स्टैंप ऑनलाइन मिलेगा। कोई भी व्यक्ति घर बैठे अपने जरूरत के अनुसार स्टैंप पेपर ऑनलाइन खरीद सकता है। इस संबंध में निबंधन विभाग के उप महानिरीक्षक साहब सिद्दीकी ने आम सूचना जारी कर लोगों से जरूरत के अनुसार स्टैंप ऑनलाइन खरीदने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में मैनुअल स्टैंप लेने के लिए लोगों को ट्रेजरी सहित बैंक व अन्य स्थानों पर लाइन लगाकर स्टैंप पेपर खरीदना पड़ रहा था। अब नई व्यवस्था लागू होने से लोगों को कहीं भी लाइन लगने की जरूरत नहीं है। अब अपनी सुविधा के अनुसार जब चाहे 24 घंटे स्टैंप खरीद सकते हैं। अब नजर डालते हैं आज की चौथी प्रमुख खबर पर। जमशेदपुर की सुनारी थाना पुलिस ने मरीन ड्राइव के स्वर्ण रेखा नदी किनारे झाड़ियों से 5 साल की बच्ची का शव बरामद किया है। उसके शरीर पर कपड़े नहीं थे, एक हाथ भी गायब है। बच्ची सोमवार शाम 6 बजे से सुनारी न्यू कपाली बस्ती से लापता थी। परिजनों ने इसकी जानकारी सुनारी थाना पुलिस को दी थी। इसके बाद से पुलिस बच्ची बरामदगी को प्रयासरत थी। बुधवार सुभाष शव मिलने पर सिटी SP सुभाष चंद्र जाट समेत कई पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। शव बरामदगी को लेकर लोगों में आक्रोश है। पुलिस अधिकारियों के सामने लोगों ने जमकर हंगामा भी किया। सिटी SP ने मेडिकल बोर्ड की टीम से शव का पोस्टमार्टम कराने का आश्वासन दिया। इधर बच्ची की हत्या किए जाने और उसके साथ अमानवीय हरकत होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। अब नजर डालते हैं आज की पांचवी प्रमुख खबर पर। गोड्डा के पत्थरगामा थाना क्षेत्र के जमडीहा गांव में बुधवार की दोपहर करीब 1 बजे खेल खेल में सगे भाई बहन एक कुआं में गिर गए। आसपास के लोगों ने दोनों को बाहर निकाला। परिजन भी वहां दौड़े आए तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पत्थरगामा में दोनों को भर्ती कराया। डॉक्टरों ने 8 वर्षीय बिंदु कुमारी को मृत घोषित कर दिया। वहीं 6 वर्षीय राम कुमार को गंभीर हालत में गोड्डा सदर अस्पताल रेफर किया गया। अमडीहा के बिंदेश्वरी कुंवर की बेटी की मौत होने पर घर में मातम छा गया है। परिजनों ने बताया कि पत्थरगामा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के दौरान लापरवाही बरती गई। करीब 1 बजे दोनों भाई बहन को अस्पताल लाया गया। उस समय सभी स्टाफ लंच के लिए चले गए थे। सूचना देने के बाद भी काफी विलंब से डॉक्टर और स्टाफ वहां पहुंचे। इससे बिंदी कुमारी को बचाया नहीं जा सका। पत्थरगामा थाना की पुलिस ने अस्पताल में परिजनों का फर्द बयान लिया। पुलिस की ओर से कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। अब नजर डालते हैं आज की छठी प्रमुख खबर पर।
धनबाद के चिरकुंडा स्थित नटराज आयरन कास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री के सामने बुधवार को भी मजदूरों के धरना को समर्थन देने विधायक ढुल्लू महतो पहुंचे थे। बुधवार को ढुल्लू महतो की सभा की अध्यक्षता टाइगर फोर्स के विजय सिंह और भाजपा के गुड्डू सिंह ने संयुक्त रूप से की। सभा में COVID-19 के गाइडलाइंस का खुलेआम उल्लंघन हुआ और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। लोगों का हुजूम ठसाठस था, कई लोगों ने मास्क तक नहीं पहना था। इस संबंध में पूछे जाने पर ढुल्लू महतो ने सफाई देते हुए कहा कि हमारी ओर से इस बात का पूरा ख्याल रखा गया था कि कोरोना के दिशा निर्देशों का पूरी तरह पालन हो। लोग अपने आप वहां हुजूम बनाकर जुट गए। हमने सभा स्थल पर सभी से मास्क लगाकर आने का आग्रह भी किया था। अब नजर डालते हैं आज की कुछ चर्चित खबरों पर। रिम्स अस्पताल में सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों ने बुधवार को नव नियुक्त एडिशनल डायरेक्टर का जमकर विरोध किया। एक सीनियर रेजिडेंट का कहना है कि मंगलवार को नव नियुक्त एडिशनल डायरेक्टर कोविड वार्ड में निरीक्षण के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने उन्हें कलंक कहा। बता दें कि एक दिन पहले ही एडिशनल डायरेक्टर के पद पर बाघ हमारे प्रसाद कृष्ण ने ज्वाइन किया है। दूसरी खबर, राजधानी रांची में लगातार पांचवें दिन अतिक्रमण हटाओ अभियान चला। इस दौरान कचहरी चौक से लेकर मेन रोड में सुजाता चौक तक सड़क पर अवैध रूप से लगी दुकानें हटाई गई। इसी क्रम में नो पार्किंग में लगे वाहनों को भी उठा लिया गया। यह अभियान 6 सितंबर तक नगर निगम द्वारा चलाया जाएगा। तीसरी खबर, झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि माल हमारा खेल तुम्हारा यह नहीं चलने देंगे। झारखंड के बकाए का भुगतान केंद्र सरकार करे। जहां भाजपा गठबंधन की सरकार रहती है वहां रेल परियोजना में राज्यों को पैसा नहीं देना पड़ता है। आज के आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।